सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने मैच स्टार्ट कर दिया है एंड मैच स्टार्ट करते ही ये हमारा लॉबी आएगा एंड ये मेरा खुद का गेम प्ले है एंड मैंने खुद इसे रिकॉर्ड करा है एंड आपको बता दूँ सभी चीज़ों को मैंने कवर किया है जितना मुझसे हो सका है। ये वीडियो ऐसे थोड़ा सा लंबा है, आप देख सकते हो 15 मिनट या फिर 16 मिनट तक ये वीडियो जाएगा, बट दोस्तों मैंने सारी काम की चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई है। सभी लोकेशन को कवर करना है यार, थोड़ा सा तो वीडियो ऑटोमेटिक ही लंबा हो ही जाएगा। सो, यहाँ पे आप देख सकते हो इस वीडियो का जो ग्राफिक्स है एंड साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूँ ये जो गेम है ना, इसका जो वाटर की ग्राफिक्स है ये पूरी की पूरी एकदम रियल जैसी है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा यही सब एक्सप्लेन करूँगा एंड दिखाने वाला हूँ। तो मिलिट्री बेस में यहाँ से दोस्तों हम सभी लोकेशन पे जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ये सी बिल्डिंग देख सकते हो, पूरी तरह से इस सी बिल्डिंग को चेंज कर दिया गया है एंड इसके जो कलर थे एंड थोड़ा बहुत इसके डिज़ाइन में भी चेंजेस की गई है। अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा ओल्ड टाइप का इसे बना दिया गया है एंड इसके अंदर कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो बॉक्सेस आई थिंक ये पहले थे या फिर अभी रखे गए हैं, ये समझ में नहीं आ रहा, बट ऐड हो चुके हैं एंड साथ ही साथ यहाँ पे कुछ बॉट वगैरह भी आए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड आपको बता दूँ इसे जब आप खेलोगे तो आपको जो पहले का आपका इरेंगल है ना वो एकदम भी मतलब कि याद ही नहीं आएगा, क्योंकि यार इतना ज़्यादा स्मूथ इसकी ग्राफिक्स है ना, पूछो ही मत। इसे तो मैंने पूरा एंड तक खेला है एंड ये हमारा टावर है देख सकते हो जो रॉकेट लॉन्चर से टूट चुका है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें रॉकेट लॉन्चर गिरा था एंड वो टूट चुका है एंड यहाँ पे आप ये एक स्टैचू देख सकते हो। ये स्टैचू आपको हर एक लोकेशन पे देखने को मिलेंगी, लाइक नो में भी देखने को मिलेगा, जॉर्जो पुल में भी देखने को मिलेगा, स्कूल में भी देखने को मिलेगा। तो ये एक ही सेम स्टैचू देखने को नहीं मिलेगा, हर लोकेशन पर आपको अलग अलग स्टैचू देखने को मिलने वाला है। जिस भी लोकेशन पे मैं जाऊंगा वहाँ पे आपको मैं ये स्टैचू दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मिलिट्री बेस का स्टैचू है एंड यहाँ पे काफ़ी सारी चेंजेस की गई हैं। ये जैसे कि आप देख सकते हो टावर वगैरह एंड ये भी आप देख लीजिए पूरा का पूरा चेंज किया गया है एंड इस साइड जो ये आप देख सकते हो बड़े बड़े, ये इसको कुछ भी बोल सकते हो लाइक टैंकर टाइप के हैं, ये जो ये पूरे के पूरे चेंज हो चुके हैं, एकदम ओल्ड टाइप का कर दिया गया है। पहले ये पूरे खड़े थे लेकिन अब इसे गिरा दिया गया है एंड साथ ही साथ ओल्ड यानी कि अगर आप लोखंड में मोर्चा उर्चा लगा दो तो आप देखते हो ना बहुत अजीब टाइप के हो जाते हैं, वैसे लगे हैं एकदम ओल्ड टाइप के। एंड साथ ही साथ ये रॉकेट लॉन्चर आप देख सकते हो, इसके सामने दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा कवर दिया गया है, ये आपको फाइट के टाइम काम आ सकती है, बहुत ज़्यादा काम आएगी, लास्ट सर्कल में भी बहुत ज़्यादा ये काम आ सकती है क्योंकि यहाँ पे पहले पूरा का पूरा ओपन था, अगर यहाँ पे कोई भी बंदा लेटता था तो आसानी से दिख जाता था, लेकिन अब दोस्तों आपको कवर मिलेगा। यहाँ पे हम जा रहे थे नो, उससे पहले दोस्तों आप कुछ ग्राफिक्स देख सकते हो इस वीडियो की, सॉरी इस गेम की एंड साथ ही साथ आप यहाँ पे कई सारे ट्री देखोगे तो आपको न्यू ट्री दिखाई दे रहे होंगे, पेड़ कई सारे न्यू पेड़ भी ऐड किए गए हैं आप देख सकते हो एंड इनके जो ग्राफिक्स है ना एकदम रियल जैसे बना दिए गए हैं। हम नो आए तो यहाँ पे हमारा जो स्क्वाड हाउस है आप देख सकते हो, ये स्क्वाड हाउस पूरी तरह से चेंज हो चुका है, मतलब कि यार काफ़ी ओपी स्क्वाड हाउस बना दिया गया है, ऊपर आप देख सकते हो। एंड हम चले ऊपर चलते हैं एंड देखते हैं क्या क्या इसमें नई चीज़ें ऐड हुई हैं। तो दोस्तों यहाँ पे तो सब कुछ सेम है, बस कलर एंड थोड़ा बहुत इसे डिज़ाइन चेंज किया गया है एंड साथ ही साथ सीढ़ियों के नीचे की आप देख सकते हो यहाँ पे बॉक्सेस रख दिए गए हैं ताकि यहाँ पे कोई कैंप ना कर सके एंड उसके बाद ऊपर के साइड का भी आप देख सकते हो। सो, काफ़ी सही है यार, वैसे देखा जाए तो बहुत ही ओपी है एंड ये सेम इरेंगल 2.0 हमारे ग्लोबल वर्जन में आने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं रहेगा दोस्तों, बस नेम जो यहाँ पे चाइनीज में है वो सब बस इंग्लिश में हो जाएंगे एंड सारी की सारी चीज़ें सेम रहेंगे, कुछ भी ग्राफिक्स वगैरह सब कुछ सेम रहने वाला है। बस इसके लिए दोस्तों आपके पास थोड़ी सी हाई डिवाइस होगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको इस गेम को खेलने में, लेकिन अगर लो डिवाइस है तो थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर दोस्तों वेयर हाउस आप देख सकते हो, ये वेयर हाउस है नो एंड जॉर्जो पुल सेम वेयर हाउस आपको देखने को मिलेगा एंड जो कंटेनर्स हैं ये भी सेम देखने को मिलने वाला है, यहाँ से आप देख सकते हो। आइए मैं आपको वेयर हाउस के अंदर भी लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए ये वेयर हाउस पहले बहुत बड़े बड़े थे लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा छोटे कर दिए गए हैं एंड पूरी तरह से इनका डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है, बाहर के साइड का भी आप देख सकते हो। एंड उसके बाद ये कंटेनर्स तो वैसे मुझे सेम लग रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं है, बस इनके थोड़ी सी कलर मतलब फीका कर दिया गया है, लाइक बोल सकते हो कि ऐसा लगता है ना धूप में कपड़े सुखाने के लिए डाल दो तो उनके कलर्स उड़ जाते हैं, वैसे ही दोस्तों इस कंटेनर्स के आपको लग रहे होंगे कि कलर्स थोड़ा सा उड़ गया है। सो, ऐसे ही काफ़ी लाइट कलर कर दिया गया है एंड उसके बाद ये वेयर हाउस तो बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है,
एंड ये वेयर हाउस एंड साथ ही साथ जॉर्जियो पुल का जो वेयर हाउस है ये सब दोस्तों सेम देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे ये देख सकते हो एक नया स्टैचू, मैंने आपको जैसा बोला था हर लोकेशन पे आपको एक अलग अलग स्टैचू देखने को मिलेगा। तो एंड उसके बाद अगर दोस्तों ब्रिज की बात कर ले तो हमारी जो ब्रिज है आप खुद देख सकते हो, मैं आपको डासिया में बिठा के लेके चल रहा हूँ एंड आप खुद देख लीजिए पूरा का पूरा जो ब्रिज है ये चेंज हो चुका है। पहले काफ़ी अलग ही डिज़ाइन थी लेकिन अब दोस्तों पूरी तरह से इनकी जो डिज़ाइन है उसे चेंज कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो सामने का पेट्रोल पंप है, यही नहीं काफ़ी सारे पेट्रोल पंप जो हैं इरेंगल मैप में वो सब चेंज कर दिए गए हैं। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो ये जो पेट्रोल पंप है पहले कैसा था एंड अब कैसा हो चुका है, पूरा का पूरा जो है चेंज हो चुका है। तो यार काफ़ी अच्छा चीज़ है, मतलब कि पहले के जो पेट्रोल पंप थे उनसे काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। इसके अंदर भी आप देख सकते हो सारी की सारी, मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ भी वैसे मैं चाहूँगा नहीं कि मिस हो। तो सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब कि यार पूरा का पूरा बोल सकते ना पहले वाला पेट्रोल पंप को गायब कर दिया गया है एंड यहाँ पे एक न्यू पेट्रोल पंप को फिट कर दिया गया है। आइए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ एंड आगे के साइड मैं आपको जो है बान हाउस दिखा देता हूँ, जो हमारा यहाँ पे पास में बान हाउस है। एंड उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो यहाँ पे वाटर की आप ग्राफिक्स देखिए, ऐसा लग रहा है एकदम रियल में पानी है। एंड उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए ये जो बान हाउस है ये पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है, पहले कैसे थे एंड अब कैसे हो चुके हैं। साथ ही साथ कई सारे ऐसे बिल्डिंगे हैं जिन्हें चेंज भी नहीं किया गया है, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं लेकिन काफ़ी सारी चेंज हुई है। इसके अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए इसके अंदर काफ़ी सारी वैसे देखा जाए तो चेंजेस है। यहाँ पर आप देख सकते हो डबल बॉक्सेस रखे गए हैं एंड ये आई थिंक कुछ है। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर कुछ भी नहीं है एंड यहाँ पे ऊपर चलते हैं, ऊपर देखोगे दोस्तों तो आपको काफ़ी सारी अलग ही, मतलब बोल सकते हो ना दोस्तों कि एक अलग टाइप से इसे डिज़ाइन किया गया है, रीबिल्ड किया गया है। एंड उसके बाद ये जो बड़ा वाला घर था बिल्डिंग था उसे भी पूरा चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस साइड हमें कवर देखने को मिलता है, सीढ़ी देखने को मिलती है दरवाजों की साइड, पहले ये सब नहीं थी। एंड उसके बाद चलिए हम ऊपर चलते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सारी चेंज है बट यहाँ पर ये भाई साहब पता नहीं क्या कर रहे थे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, इतना हार्ड स्कोप करके रखा है कि उसे पता ही नहीं कि उसके सामने बंदा आ चुका है। मुझे खुद भी नहीं पता था कि यहाँ पे बंदा है बट क्या कर सकते हैं, ये कहीं और देख रहा था। काफ़ी अच्छी लूट भी थी इसके पास आप देख सकते हो, ऐसा लग रहा है कि भाई साहब पूछो ही मत यार, ऐसा लग रहा है रियल में हम पानी के अंदर चल रहे हैं। आप खुद देख सकते हो पहले काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हो डार्क में ये था पानी, अब काफ़ी ज़्यादा लाइट में कर दिया गया है। एंड उसके बाद अगर आपके पास थोड़ी सी हाई डिवाइस है तो आप देख सकते हो कितना एकदम रियल जैसा आपको पानी दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते हो ऐसा लग रहा है मैं किसी बीच पे हूँ एंड देख लीजिए कितना ज़्यादा ओपी चीज़ है। सो काफ़ी अच्छी ग्राफिक्स बनाई गई है इरेंगल 2.0 की सारी जो ग्लिचेस थी बग्स थी इरेंगल में वो सब फिक्स भी। ये हमारा स्कूल है, स्कूल भी आप देख लीजिए, स्कूल के भी आपको मैं सारे लोकेशन दिखा देता हूँ, अंदर के टाइप आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे हैं एंड यहाँ पे आपको एक अलग ही स्टैचू देखने को मिल रहा है। सो हर एक लोकेशन पे आपको एक अलग अलग स्टैचू देखने को मिलेगा जो भी है। एंड उसके बाद ये देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे सामने चेयर्स होते थे वो सब हटा दिया गया है, एक भी चेयर आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद इसके अंदर भी काफ़ी सारी चेंजेस की गई है लाइक कलर एंड साथ ही साथ दोस्तों जो टेबल वगैरह थे वो सब भी हटा दिया गया है, देख सकते हो कोई भी टेबल देखने को नहीं मिल रहा है। एंड उसके बाद दोस्तों हमारा जो ये स्विमिंग पूल है उसके अंदर का भी आइए मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो इसका सबसे पहले तो पूरा का पूरा कलर चेंज कर दिया गया है। एंड उसके बाद ऊपर जाएंगे तो अंदर की तरफ हमें कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलता ज़्यादा, बस यहाँ पर स्विमिंग पूल की तरफ दोस्तों यहाँ पर सीढ़ियाँ लगा दी गई हैं, बस यही एक चीज़ है जैसे कि स्विमिंग पूल में होती है ना सीढ़ियाँ, सेम वैसे ही यहाँ पर आपको सीढ़ी देखने को मिलेगी जिससे आप मीन स्विमिंग करके निकलते हो। एंड उसके बाद ऊपर की तरफ हमें कोई भी चेंजेस, उसके बाद अपार्टमेंट की तरफ ये जो रेड बिल्डिंग थी उसे पूरा वाइट कर दिया गया है एंड इसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा बोल सकते हो, काफ़ी बड़े में अब आपको ये देखने को मिलेगा अंदर की तरफ से। एंड उसके बाद इसके ऊपर चलते हैं, ये बिल्डिंग वैसे काफ़ी ज़्यादा ओपी इन्होंने डिज़ाइन कर दी है, इसके ऊपर पहले काफ़ी लोग जाके लेट जाते थे तो अब अगर आप जाके लेटोगे तो दोस्तों आप मारे जा सकते हो। आइए मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, यहाँ से हम ऊपर चलते हैं। एंड गाइस आप देख सकते हो सिर्फ आपको दो तरफ से कवर देखने को मिलेगा, बाकी मतलब कि यार दो तरफ से पूरा का पूरा ओपन है, थोड़ा सा भी कवर नहीं है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों आपको कोई भी मार सकता है, अगर आपको थोड़ा सा भी उसका बॉडी शॉट या फिर हेड दिख गया ना
तो आप यहाँ पे मारे जाओगे। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप ये अपार्टमेंट देख लो, और यहाँ पे एक न्यू शेक ऐड किया गया है। यहाँ दोस्तों ये आप देख सकते हो पहले नहीं था, एंड यहाँ पे अब आपको एक न्यू शेक देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद दोस्तों ये अपार्टमेंट है, हर अपार्टमेंट के जो कलर है एंड डिज़ाइन है उसे थोड़ा थोड़ा चेंज किया गया है। यहाँ पे आप देख लीजिए दरवाजे तो बिल्कुल सेम है, एंड उसके बाद अंदर में आपको टाइल्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं, आप देख सकते हो। एंड उसके बाद इस साइड भी यहाँ पे आपको कोई फोटोग्राफ्स वगैरह देखने को मिला। ऊपर की तरफ चलते हैं, ऊपर देखते हैं क्या चेंजेस हैं। सो ऊपर भी आप देखोगे तो काफ़ी सारी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि लाइन्स वगैरह आप देख सकते हो। एंड उसके बाद जो नीचे के लैंड है वो भी आप देख लीजिए। एंड ये स्क्वाड हाउस ये आपको देखने को मिलता है वाटर सिटी के पास, ये वाटर सिटी है। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूँ जो पानी है ना, कसम से बता रहा हूँ, पूरा का पूरा रियलिस्टिक जैसा पानी यहाँ पे बना दिया है। एंड इसके अंदर आप तैर भी सकते हो, यहाँ पे आप देख लीजिए इस साइड जहाँ पे गहरी है। एंड उसके बाद बाकी तो आपको भी पता है वाटर सिटी में यही होता है, आपको चलना ही पड़ेगा थोड़ा सा स्लो। एंड उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे बॉक्सेस भी आ गए हैं जो बॉक्सेस पहले नहीं थे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक और चेंज देखने को मिलेगा, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये वाली बिल्डिंग के ऊपर। सो सबसे पहले यहाँ पे हम चलते हैं इस वाली बिल्डिंग के ऊपर, एंड देखते हैं कुछ चेंजेस देखने को हमें मिल रही या फिर नहीं। यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों तो पानी के अंदर कुछ ग्रास वगैरह अब आपको देखने को मिल रही हैं। पहले क्या था ना दोस्तों, ग्रास नहीं थी, लेकिन अब ग्रास भी ऐड कर दी गई है पानी के अंदर। सो ये भी आपको देखने को मिलने वाली है। तो हम चलते हैं इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर हमें कुछ नया देखने को मिल रहा है। सो आइए देखते हैं कि क्या चीज़ है ये। एंड ये इरेंगल 2.0 दोस्तों आपको बता दूं, ग्लोबल वर्जन में आने में अब ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे गेम ऑफ पीस में आ चुका है। तो अब हमारे इरेंगल जो ग्लोबल वर्जन है उसमें आने में इसे ज़्यादा टाइम नहीं है। सो ये एक न्यू चीज़ देखने को मिली इस बिल्डिंग के ऊपर, पहले कुछ भी नहीं था। अब आपको कुछ ड्रम्स एंड बड़े बड़े बॉक्सेस, साथ ही साथ बहुत सारी कवर देखने को मिलेगा, जिससे अब आप ऊपर भी कैंप कर सकते हो। पहले ये पूरा का पूरा ओपन था, लेकिन अब दोस्तों आपको ओपन नहीं, काफ़ी सारी वहाँ पे चीज़ वो मिलेंगी। एंड गाइस ये आप वेयर हाउस देख सकते हो, पोचिंकी के पास का स्क्वाड हाउस भी आप देख सकते हो। एंड इसके बाद हम लेके चलते हैं चर्च की तरफ, चर्च भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पोचिंकी का चर्च है, एंड ये चर्च भी काफ़ी सारी चेंज की गई है। पहले वाला जो चर्च था दोस्तों उसका कलर भी अलग था, एकदम डार्क शेप में था, एंड इसके जो कलर है वो लाइट में है। एंड अंदर की तरफ से भी आप देखोगे तो आपको बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे आप देख लीजिए नीचे की तरफ आप देखोगे जो एकदम यार ओपी बना दिया है सच। तो यहाँ पे आप कोचिंगी का ये पूरा का पूरा बिल्डिंग देख सकते हो, काफ़ी सारी मतलब कि सिर्फ कलर एंड डिज़ाइन चेंज किया गया है और कुछ भी नहीं। 3 स्टोरी बिल्डिंग का भी आप देख सकते हो। एंड ये आसपास की जो बिल्डिंगें हैं, ये वाली बिल्डिंग भी पूरी तरह से चेंज है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे पोचिंकी के साइड जो पूरा का पूरा ओपन था वहाँ पे ये सब देखने को मिलने वाला है, देख सकते हो यार काफ़ी सही चीज़ है ये सब। टैंक वगैरह देखने को मिलेंगे, कैनन देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा कवर देखने को मिलेगा, जिससे पहले आप ओपन में नॉक हो जाते थे तो आपको कोई भी कवर नहीं था, लेकिन अब दोस्तों आपके पास अच्छा खासा कवर है, जिससे दोस्तों आप कवर ले सकते हो, हर एक चीज़ का कवर ले सकते हो। यहाँ पर आपको ये जो देखने को मिल रहा है टैंक, टैंक के पीछे भी आप छिप सकते हो। एंड उसके बाद दोस्तों इन टैंक के ऊपर आप जाके बंदों को स्प्रे भी कर सकते हो। यहाँ पे कैनन वगैरह भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो ये कैनन है, तो यहाँ पे आपको ऐसे कुछ है जो है कैनन भी देखने को मिलने वाले हैं। एंड यहाँ पे डाउनरिज भी है, सो आप इस साइड भी जा सकते हो, जिससे दोस्तों आपको कोई मार नहीं पाएगा। एंड यहाँ पर आप देख लीजिए एक और कैनन है। एंड ये जो आपको शेल्टर के पास बड़ा सा ब्लू वेयर हाउस देखने को मिलता था वो पूरी तरह से दोस्तों चेंज हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेयर हाउस होता था, लेकिन अब आपको वॉल एंड साथ ही साथ ये वेयर हाउस भी देखने को मिलेगा। अब इस वेयर हाउस को बोल सकते हो बड़ी सी बिल्डिंग है, एंड ऊपर की तरफ लाइट टंगी हुई है। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एक मैप इरेंगल 2.0 का, तो काफ़ी सही चीज़ बना दिया गया है इरेंगल 2.0। सो गाइस ये पूरा का पूरा था गेम प्ले जो इरेंगल 2.0 का था, एंड साथ ही साथ ये मैंने खुद रिकॉर्ड किया है, तो इसके लिए एक वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मैंने सारी लोकेशन को कवर किया होगा। एंड अगर कुछ छूट गया है, मिस हो गया है, कुछ आप देखना चाहते हैं तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दो। एंड आपको बता दूं ये इरेंगल 2.0 हमारे गेम जो ऑफिशियल ग्लोबल वर्जन है उसमें आने में दोस्तों अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, आपको थोड़ा सा 1-2 अपडेट का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ये चीज़ हमें देखने को मिल जाएगी बस।
सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।